नमस्कार, स्वागत है आप सभी का और आप सुन रहे हैं उत्तरांचल टुडे। जैसा कि आप सभी को पता है कि नया साल आने वाला है और ये नया साल आपके जीवन में क्या नया लेकर आएगा, आज हम उसके बारे में आपको बताएंगे। जी हाँ, आज हम बात करेंगे 2021 के राशिफल के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मेष राशि के बारे में। 2021 के अनुसार शनिदेव मेष राशि में विराजमान रहेंगे और शनिदेव के पीछे पीछे मंगल भी आपकी राशि में प्रवेश करेंगे। भौतिक सुखों के देवता बृहस्पति के आपके राशि में आने के बाद आपको करियर में अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। आमदनी बढ़ने के कई मौके आपको मिलेंगे। इसी के साथ ही पारिवारिक जीवन में शनि और मंगल आपको कुछ चुनौतियां दे सकता है। दशम भाव में बैठे शनि देव और प्रथम में बैठे मंगल देव के कारण आपके माता पिता को स्वास्थ्य संबंधित कुछ परेशानियां हो सकती है और बच के रहिएगा, क्योंकि जीवन साथी के साथ थोड़ी सी अनबन होने की संभावना है। अब चलते हैं वृश्चिक राशि की तरफ। राशिफल 2021 के अनुसार इस पूरे वर्ष ही शनिदेव आपके नवम भाव में विराजमान रहेंगे। श्रोताओं, आपको बता दूं कि इस साल शनिदेव कोई भी राशि परिवर्तन नहीं करेंगे और वृश्चिक राशि उन्हीं 5 राशियों में से एक है। इसके साथ ही 4 मई से 28 मई के बीच शुक्र का गोचर आपकी ही राशि में होगा, जिससे आपका प्रथम भाव प्रभावित होगा, जिसके चलते भाग्य का साथ मिलेगा और प्रगति होगी। व्यापार जातकों को भी अपनी मेहनत के अनुसार अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। ग्रहों की स्थिति इशारा करती है कि छात्रों के लिए ये समय थोड़ा सा मेहनत करने वाला होगा, लेकिन परिवार में कोई मांगलिक कार्यक्रम आयोजन होने पर वातावरण खुशहाल दिखाई देगा। अब बात करते हैं मिथुन राशि के बारे में। मिथुन राशि वालों के लिए ये साल थोड़ा सा मुश्किल होने वाला है। इस वर्ष की शुरुआत में आपकी राशि के दशम भाव के स्वामी गुरु बृहस्पति साल के पहले महीने में आपके अष्टम भाव में विराजमान रहेंगे। गुरु बृहस्पति आपकी राशि के अलग अलग भावों को साल भर प्रभावित करेंगे। ग्रहों की इन स्थितियों के चलते आपको अपने करियर में थोड़ा उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। मिथुन राशि के बारे में। मिथुन राशि वालों के लिए ये साल थोड़ा सा मुश्किल भरा हो सकता है। इस वर्ष की शुरुआत में आपकी राशि के दशम भाव के स्वामी गुरु बृहस्पति साल के पहले महीने में आपके अष्टम भाव में विराजमान रहेंगे। गुरु बृहस्पति आपकी राशि के अलग अलग भावों को साल भर प्रभावित करेंगे। ग्रहों की इन स्थितियों के चलते आपको अपने करियर में थोड़ा उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। आपकी उन्नति तो होगी, लेकिन थोड़ा सा इंतजार करना होगा। व्यापारी जातकों के लिए ये अच्छा समय रहेगा, लेकिन कोई भी बड़ा लेन देन करते समय विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। और अब चलते हैं कर्क राशिफल की तरफ। राशिफल 2021 के अनुसार साल की शुरुआत में लाल ग्रह मंगल आपके दशम भाव में होगा, साथ ही न्याय के देवता शनि आपके सप्तम भाव में साल भर विराजमान रहेंगे। इसी दौरान शनि के पीछे पीछे राहु केतु भी आपकी राशि में प्रवेश करेंगे और पूरे साल आपके साथ रहेंगे। करियर में रफ्तार पकड़ने का अवसर मिलेगा, जिससे आपकी तरक्की होगी और आपकी उन्नति भी संभव है। साल 2021 देता है कि व्यापारी जातकों के लिए यह वर्ष निवेश के लिए बेहद सफल रहने वाला है। आर्थिक जीवन में कुछ परेशानियां होंगी, लेकिन आप अपने मेहनत के दम पर हर परेशानी से निकलने में कारगर साबित होंगे। अब बात करते हैं सिंह राशिफल की। राशिफल 2021 के अनुसार इस पूरे वर्ष छाया ग्रह राहु केतु आपके दसवें और चौथे भाव को प्रभावित करेंगे। शनिदेव भी साल भर आपके छठे भाव में विराजमान रहेंगे। इस दौरान आपको अपने करियर में शत्रुओं से बचकर रहने की आवश्यकता होगी, हालांकि आप उन पर हावी रहेंगे। आर्थिक जीवन में खर्चे बढ़ सकते हैं और छात्रों को यहाँ ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि सिंह राशि वाले छात्रों को परीक्षा में सफलता पाने के लिए पहले से अधिक मेहनत करनी होगी। विदेश जाने की इच्छा रखने वाले छात्रों को इस वर्ष बहुत प्रयास करने के बाद भी सफलता मिलने की संभावना है। दाम्पत्य जातकों के लिए संतान का कमजोर स्वास्थ्य परेशानी उत्पन्न कर सकता है। अब हम बात करेंगे कन्या राशि फल की। कन्या राशि फल 2021 के अनुसार इस पूरे वर्ष शनि आपकी राशि के पंचम भाव में विराजमान होंगे। इसके साथ ही शुरुआत में मंगल देव आपके अष्टम भाव से होते हुए नवम और दशम भाव को प्रभावित करेंगे। ऐसे में इस दौरान आपको अपने करियर में बहुत से उतार चढ़ाव भरी परिस्थितियों से गुजरना पड़ सकता है। 2021 राशिफल के अनुसार इस दौरान नौकरी पेशा जातकों का स्थान परिवर्तन संभव है। वे लोग जो व्यवसाय करते हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा समय रहेगा। हालांकि बिजनेस पार्टनरशिप में कर रहे लोगों को हर सौदे को सोच समझ कर करने की जरूरत होगी। और अब बात करेंगे राशिफल वृश्चिक के बारे में। वृश्चिक राशिफल 2021 के अनुसार शनिदेव आपके तीसरे भाव में साल भर विराजमान रहेंगे। मंगल, शुक्र, बुध, गुरु, बृहस्पति और सूर्य देव भी आपको वर्ष 2021 में अलग अलग तरीके से प्रभावित करते नजर आएंगे। इसके चलते करियर में आपको बहुत सी चुनौतियों से दो चार होना पड़ सकता है।
इस दौरान आपको कार्य क्षेत्र में अधिक मेहनत करने की जरूरत होगी। साथ ही व्यापार कर रहे लोगों को किसी यात्रा से लाभ होगा, आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, लेकिन अचानक से खर्चा बढ़ने पर आपको थोड़ी सी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। और छात्रों के लिए यहाँ अच्छी खबर है, परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को अच्छे परिणाम मिलेंगे, ऐसे में अपनी मेहनत जारी रखें। वृश्चिक राशि वालों के लिए 2021 का इशारा बस यही है कि इस साल आपको पारिवारिक सुख मिलेगा, संतान पक्ष अच्छा रहेगा और उनके साथ रिश्ते बेहतर होंगे। और अब हम बात करेंगे धनु राशि फल के बारे में। धनु राशि फल 2021 के अनुसार इस पूरे साल शनि आपके चतुर्थ भाव को दृष्टि करते हुए आपके द्वितीय भाव में विराजमान रहेंगे। मंगल ग्रह आपके पंचम और छठे भाव से होते हुए अप्रैल के मध्य में राशि के सप्तम भाव में गोचर करेंगे। ऐसे में इन सभी मुख्य ग्रहों की स्थिति के चलते हुए आपको अपने करियर में सहकर्मियों की मदद से अच्छे फल की प्राप्ति होगी। छात्रों को इस वर्ष शिक्षा में कामयाबी मिलेगी और जो छात्र विदेश जाने की तैयारी कर रहे हैं उनके सपने पूरे हो सकते हैं। और अब हम बात करेंगे मकर राशि फल के बारे में। मकर राशि फल 2021 के अनुसार आपके राशि स्वामी शनि आपकी ही राशि में इस पूरे वर्ष विराजमान रहेंगे। साथ ही गुरु बृहस्पति भी शुरुआत में आपकी राशि विराजमान रहेंगे। ऐसे में ग्रहों की इस स्थिति के चलते हुए आपको अपने करियर में इस वर्ष अपनी मेहनत के अनुसार अच्छे फल प्राप्त होंगे। व्यापारियों के लिए भी ये साल शुभ होने वाला है। आर्थिक जीवन में शुरुआती कुछ महीनों में परेशानी आएंगी, लेकिन बाद में धन की आवाजाही आपकी आर्थिक तंगी को दूर करेगी। विद्यार्थियों को अच्छे फलों की प्राप्ति होगी जिससे उन्हें अपने सभी विषय को समझने में मदद मिलेगी। और अब हम बात करेंगे कुंभ राशि फल के बारे में। कुंभ राशि फल 2021 के अनुसार इस पूरे वर्ष शनिदेव आपकी राशि में विराजमान रहेंगे। इसके साथ ही गुरु बृहस्पति भी आपकी राशि में ही रहेंगे। शुक्रदेव महीने की शुरुआत में आपके 11वें भाव में होंगे और आपकी इच्छाओं को पूरा करेंगे। ऐसे में आपको इस पूरे वर्ष इन मुख्य ग्रहों के प्रभाव के अनुसार ही फलों की प्राप्ति होगी। कुंभ राशि के लोगों के लिए 2021 बेहद ही शुभ होने वाला है, क्योंकि करियर के लिए ये साल बहुत अच्छा रहेगा। विशेष तौर से मध्य का समय आपके लिए बेहद प्रतिकूल रहेगा। मीन राशि फल 2021 के अनुसार इस वर्ष शनिदेव आपके भाव में विराजमान होंगे, मंगल देव भी आपके साथ रहेंगे और छाया ग्रह राहु केतु आपके तीसरे भाव में रहेंगे। ऐसे में आपको अपने करियर में अच्छे फलों की प्राप्ति होगी और आपका करियर इस समय रफ्तार पकड़ता दिखाई देगा। साथ ही व्यापारी जातकों को भी अपने बिजनेस को विस्तार देने का मौका मिलेगा। आर्थिक जीवन में आमदनी के कई मौके बनेंगे, लेकिन उसके साथ ही आपके खर्चों में भी वृद्धि होगी। संतान पक्ष को भी अपनी पढ़ाई में बेहतर कर दिखाने का अवसर प्राप्त होगा। तो श्रोताओं, ये था 2021 का राशिफल। आज हमने आपको बताया कि 2021 आपके जीवन में क्या कुछ नया लेके आने वाला है। इसी तरह की अधिक जानकारी के लिए सुनते रहिए उत्तरांचल टुडे.com। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें दीजिए नमस्कार।